नमस्कार। प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाएं के इस कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिभु है और मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में सहायक प्राध्यापक हूं। यह कोर्स मुख्य रूप से हमने उन छात्रों के लिए बनाया है जिनका अथवा स्नातक में शिक्षा का माध्यम हिंदी है अथवा जिन्होंने अपनी प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा हिंदी माध्यम से प्राप्त की है और अब वे अंग्रेजी माध्यम से अपनी स्नातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उन्हें अंग्रेजी माध्यम के सभी विषयों को समझने में कुछ कष्ट हो रहा है। तो उसे दूर करने के लिए हम इस कोर्स में प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस नामक अंग्रेजी कोर्स को का हिंदी रूपांतरण दिखाएंगे। तो अब इस कोर्स को समझने के लिए हमें यह जानना है कि प्रायिकता क्या होती है एवं यादृच्छिकता क्या होती है। असल में प्रायिकता को समझने के पूर्व हमें यादृच्छिकता को समझना है। यादृच्छिकता किसी भी घटना अथवा घटनाक्रम का वह गुण है जिसके फलस्वरूप हम किसी भी क्रिया अथवा घटनाक्रम के पूर्ण होने के पूर्व के पूर्ण होने के पूर्व हम उसके परिणाम को नहीं जान सकते। जिस प्रकार अगर मैं दीवार पर एक बल्ब लगाता हूं तो जब तक वह बल्ब खराब नहीं हो जाता मैं यह नहीं जान सकता उस बल्ब की आयु कितनी होगी। यह भी हो सकता है कि वह बल्ब केवल एक दिन चले, यह भी हो सकता है वह बल्ब 10 साल चलता रहे और आगे 10 साल चले और आगे भी चलता रहे। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं दीवार पर लगाए गए एक बल्ब का जीवन काल यादृच्छिक है। इसी तरह से यदि मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसके भागों की बात करूं, जिस प्रकार एक ट्रांजिस्टर, तो मैं यह नहीं जानता कि मेरा लगाया हुआ एक ट्रांजिस्टर उस परिपथ में कितना चलेगा। वह उसी समय भी खराब हो सकता है, वह उसके बाद 10 साल तक भी चल सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जीवन काल भी यादृच्छिक ही है। इसलिए हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकी को समझना चाहते हैं तो हमारे लिए यादृच्छिकता को समझना आवश्यक है। तो हमने यह जान लिया है कि यादृच्छिकता किसी भी भौतिक प्रक्रिया का वह गुण है जिसके कारण हम उस भौतिक प्रक्रिया का परिणाम उसके पूर्व नहीं जान सकते। तब हम यह कह सकते हैं कि यादृच्छिकता को समझने के लिए हमें मुख्यतः क्रियाओं अथवा भौतिक परीक्षणों को समझना होगा। अब हम भौतिक परीक्षणों को समझने के लिए हम किसी भी परीक्षण को अथवा हम परीक्षणों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, निर्धारणात्मक परीक्षण एवं यादृच्छिक परीक्षण। निर्धारणात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके परिणाम का ज्ञान हमें वह परीक्षण पूर्ण होने के पूर्व ही होगा। जिस प्रकार यदि मैं एक सेब गिराता हूं तो मैं जानता हूं वह सेब नीचे ही गिरेगा, धुआं ऊपर ही उठेगा। अथवा कुछ विषम उदाहरण लेते हुए, यदि मैं 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया करवाता हूं तो मैं यह जानता हूं कि मेरे पास 2 मोल जल ही आएगा। इसी प्रकार निर्धारणात्मक परीक्षण वह परीक्षण है
जिसके परिणाम का ज्ञान परीक्षण पूर्ण होने के हो। और जैसा कि हम देख चुके हैं, यादृच्छिक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके परिणाम का ज्ञान परीक्षण पूर्ण होने के पूर्व संभव न हो। अब हम यह देख चुके हैं कि यादृच्छिक परीक्षण और निर्धारणात्मक परीक्षण में क्या अंतर है, एवं एक यादृच्छिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके परिणाम का ज्ञान हमें वह परीक्षण पूर्ण होने के पूर्व नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम एक यादृच्छिक परीक्षण को परिभाषित करने स्थिति में है। अब हम एक यादृच्छिक परीक्षण को परिभाषित करने की स्थिति में। एक परीक्षण यादृच्छिक तभी कहलाता है, एक परीक्षण यादृच्छिक तब है जब वह निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है। एक परीक्षण यादृच्छिक तब कह रहता है जब वह निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है। अब हम यह जानते हैं कि वे कौन से प्रतिबंध हैं। एक, उस परीक्षण के एक से अधिक एक उस परीक्षण के एक से अधिक संभव परिणाम होते हैं, एवं दो, परीक्षण पूर्ण होने पर उनमें से कौन सा परिणाम आएगा, यह परीक्षण पूर्ण होने के पूर्व बताना संभव न हो।
अब हमने एक यादृच्छिक परीक्षण की पूर्ण परिभाषा दे दी है। एक यादृच्छिक परीक्षण के एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। जिस प्रकार जब हम एक सिक्का उछालते हैं हमारे पास दो परिणाम आ सकते हैं, चित अथवा पट। जिस प्रकार जब हम एक पांसा फेंकते हैं हमारे पास कोई भी छः परिणाम आ सकते हैं, छः में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। उसी प्रकार किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के लिए हमारे लिए किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में हमारे पास एक से अधिक संभव परिणाम होंगे। और जिस प्रकार हम सिक्का उछालने से पूर्व यह नहीं बता सकते कि चित आएगा अथवा पट, जिस प्रकार हम पांसा फेंकने के पूर्व यह नहीं बता सकते कि उस पांसे पर कौन सा अंक आएगा, उसी प्रकार किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में हमारे लिए यह बताना संभव नहीं है कि उस यादृच्छिक परीक्षण का परिणाम क्या होगा। अब यह देखते हुए कि हमने यादृच्छिक परीक्षण को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया है, अब हम इस कोर्स के दूसरे अंक की ओर जाते हैं। प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के पूर्ण होने के पूर्व किसी एक परिणाम के आने की संभावना उस की किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के पूर्ण होने के पूर्व किसी एक परिणाम के आने की संभावना उस परिणाम की प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अब हमारे पास इस कोर्स के नाम के दोनों मुख्य भागों की, प्रायिकता एवं यादृच्छिकता, इनकी परिभाषा है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हम यह देखते हैं कि पूर्व कक्षाओं में हमने गणित में प्रायिकता की अवधारणाओं के विषय में पढ़ा है एवं हमने ता के सांख्यिकीय दृष्टिकोण, जैसा मैंने कहा, पूर्व कक्षाओं में हमने प्रायिकता के सांख्यिकीय दृष्टिकोण को समझा है। प्रायिकता का सांख्यिकीय दृष्टिकोण यह कहता है यदि हम एक यादृच्छिक परीक्षण बार यदि हम एक यादृच्छिक परीक्षण n बार करते हैं एवं उस परीक्षण में हमारा इच्छित
परिणाम जिसे हम ई द्वारा समय द्वारा प्रदर्शित करेंगे एन ई बार आता है तब परिणाम ई की प्रायिकता जिसे द्वारा इसे पीआरई द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा होगी सीमा एन अनंत की ओर जाते हुए यह प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा है जो हमने छोटी कक्षाओं में देखी है। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार जब हमारे पास सांख्यिकीय गणनाएं होती हैं तब हम कुछ हद तक इस प्रायिकता की गणनाएं कर सकते हैं, किंतु बाद में अर्थात आज से 100 वर्ष पूर्व गणितज्ञों ने यह जाना कि प्रायिकता की यह परिभाषा अथवा प्रायिकता की यह सांख्यिकीय परिभाषा अत्यंत सीमित है। यह केवल तभी काम करती है जब हमारे पास एक ऐसा यादृच्छिक परीक्षण हो जिसके संभव परिणामों की संख्या सीमित हो। यह परिभाषा केवल और केवल तभी काम करेगी जब हमारे परीक्षण में परिणामों की संख्या सीमित है। अगर हमारे परीक्षण में परिणाम ही असीमित होंगे, अथवा जैसा कि हम कुछ समय में देखेंगे कि परीक्षणों के परिणाम न केवल असीमित हो सकते हैं किंतु अगणनीय असीमित भी हो सकते हैं, तो यह परिभाषा केवल तभी काम करेगी जब हमारे पास परिणामों की संख्या सीमित है। अगर हमारे परिणामों की संख्या असीमित होगी तब प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा काम नहीं करेगी। इसका अब प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा की इस कमी को दूर करने के लिए गणितज्ञ एन जो कि एक रूसी गणितज्ञ थे, उन्होंने प्रायिकता के अभिगृहित दृष्टिकोण की अवधारणा दी।
अर्थात अथवा अगर मैं इसे पूर्ण रूप से हिंदी में लिखूं तो का अभिग्रहित, तो कोल्मोग्रोव ने प्रायिकता के अभिग्रहित सिद्धांत, कोल्मोग्रोव ने प्रायिकता के अभिग्रहित सिद्धांत की अवधारणा दी, जो कि यह सिद्धांत समुच्चय यह सिद्धांत समुच्चय सिद्धांत अथवा सेट थ्योरी पर यह सिद्धांत समुच्चय सिद्धांत अथवा सेट थ्योरी पर आधारित है। अब कोल्मोग्रोव की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रायिकता की इस अभिग्रहित सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे एवं यह कोर्स प्रायिकता के इसी समुच्चय सिद्धांत आधारित सिद्धांत अथवा प्रायिकता के अभिग्रहित सिद्धांत पर ही आधारित है। तो अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अथवा इस सिद्धांत को आरंभ करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पास एक यादृच्छिक परीक्षण है। इस परीक्षण के सभी परिणाम हमें ध्यान दीजिए कि हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास एक यादृच्छिक परीक्षण है जिसके सभी संभव परिणाम हमें ज्ञात हैं। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ। इस परीक्षण के इस परीक्षण के सभी संभव परिणाम हमें ज्ञात हैं। इन परिणामों को के समूह को हम एक समुच्चय के रूप में भी देख सकते हैं एवं यह समुच्चय इस यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि अब एक यादृच्छिक परीक्षण के सभी परिणामों को हम एक समुच्चय के रूप में देख सकते हैं एवं यह समुच्चय उस यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और यहाँ पर मैं प्रायिकता के इस अभिग्रहित सिद्धांत की अपनी पहली परिभाषा लिखता हूँ जो कि है प्रतिदर्श समष्टि। तो मेरी पहली परिभाषा है प्रतिदर्श
समष्टि अथवा सैंपल स्पेस। यह एक यादृच्छिक परीक्षण के समस्त संभव परिणामों का समुच्चय है। इसी परिभाषा को अंग्रेजी में लिखते हुए दिस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम दिस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अथवा प्रतिदर्श समष्टि एक यादृच्छिक परीक्षण के समस्त संभव परिणामों का समुच्चय है। यह परिभाषा हमारे लिए आवश्यक है एवं हम इसे याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम यह देख सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उस यादृच्छिक परीक्षण का एक परिणाम है। हम यह देख सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव उस यादृच्छिक परीक्षण का एक परिणाम है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेने के लिए रुक सकते हैं। जिस प्रकार यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास जो संभव परिणाम हैं वह हैं चित्त। तब संभव परिणाम हैं चित्त अथवा पट। अब यदि हम चित हेड को अंग्रेजी अक्षर एच और पट को अंग्रेजी अक्षर टी द्वारा प्रदर्शित करें तब हम सिक्का उछालने का समष्टि बना सकते हैं। यदि हम इस प्रतिदर्श समष्टि को अंग्रेजी अक्षर एस द्वारा प्रदर्शित करें तब सिक्का उछालने का प्रतिदर्श सिक्का उछालने के यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि है। यह हम जब तक अलग
से जाए, अंग्रेजी अक्षर एस इस प्रकार से लिखा हुआ प्रतिदर्श समष्टि को कहा ना जाए तब तक एस प्रतिदर्श समष्टि को प्रदर्शित करेगा। अब एक और उदाहरण लेते हुए, यदि हम एक पासा फेंकने की बात करें, तब दर्श समष्टि होगा, तब प्रतिदर्श समष्टि होगा इसी प्रकार। अब यह थोड़ा आवश्यक है, यदि हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं एवं उन सिक्कों की पहचान अलग रखते हैं, तब हमारे पास चार संभव परिणाम है। तब हमारे पास चार संभव परिणाम है, जो कि हम जानते हैं। दोनों सिक्कों पर चित, पहले सिक्के पर चित, दूसरे सिक्के पर पट, पहले सिक्के पर पट, दूसरे सिक्के पर चित एवं दोनों सिक्कों पर पट। तब हम इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि बना सकते हैं। अब एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों की संख्या गणनीय पर उसके प्रतिदर्श समष्टि को असंतत कहा। यहां गणनीय अर्थात काउंटेबल एवं असंतत अर्थात डिस्क्रीट। एक प्रतिदर्श समष्टि के परिणामों की संख्या गणनीय होने पर उसके प्रतिदर्श समष्टि को असंतत कहा जाता है। जिस प्रकार यदि हम एक सिक्का उछालने अथवा एक पासा फेंकने अथवा दो सिक्के उछालने अथवा दस सिक्के उछालने अथवा हज़ारों सिक्के उछालने पर भी जो हमारे परिणाम होंगे वह गणनीय होंगे, अर्थात उनकी गणना की जा सकेगी। हमारे लिए गणनीय समुच्चय को परिभाषित करना सरल रहेगा। एक ऐसा
जिसके अवयवों की गणना सके, जैसे एक दो तीन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यह सभी समुच्चय गणनीय हैं। अगणनीय समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके की गणना न की जा सके, जिस प्रकार वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एवं उसके सभी उपसमुच्चय। अब वापस आते हुए, यदि एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों की संख्या गणनीय है तब उसका प्रतिदर्श समष्टि असंतत अथवा डिस्क्रीट है। यदि एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों की संख्या अगणनीय है तब उसके उसका प्रति समष्टि संतत कंटिन्यूअस कहलाता है। इसके एक संतत प्रतिदर्श समष्टि के उदाहरण होंगे कोई भी ऐसा यादृच्छिक परीक्षण जिसका परिणाम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जैसा आता है, जिस प्रकार दिन का तापमान, कितनी वर्षा हुई है इत्यादि। सो इसके साथ ही हम अपना पहला व्याख्यान समाप्त करते हैं। धन्यवाद।